न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कुमाऊं मैकोट बेमोरी मोटरमार्ग आजकल बीते बरसात से बाधित हुआ है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। विभागीय स्तर पर सूचना देने के बाद भी अभी तक उक्त मोटरमार्ग खोलने की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में उस मोटरमार्ग से आवागमन कर रहे वाहन तो छोड़ो, आम जनमानस की भी जान का खतरा है। चिनका में मोटरमार्ग बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यात्रियों के लिए मोटरमार्ग सुगम बना हुआ था, लेकिन बीते बरसात ये मोटरमार्ग भी बंद अवस्था में है, जिसके सुध लेने के लिए कोई तैयार नजर नहीं है। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले के चौथे दिन लोक गायक गजेंद्र राणा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनके लीला ध्यासी, पुष्पा छोरी, चित्रमाल, हाई धरुच गीतों पर दर्शक थिरकने के लिए मजबूर हो गए। रविवार को चौथे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा के अनुरूप अगले साल से वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले को कृषि और औद्योगिक विकास मेले के रूप में मनाया जाएगा। कहा कि अगले साल मेले को और भव्य रूप दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को समर्पित दीदी भूली महोत्सव में प्रतिभाग करने मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो प्रारंभ हुआ। पेट्रोल पंप बस स्टैंड से भटवारी रोड, भैरव चौक, कोट रोड, हनुमान चौक होते हुए रामलीला मैदान तक निकला। हजारों की संख्या में जन समुदाय मुख्यमंत्री की अगुवानी में जुटा रहा। रोड शो के रूट पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग लेती हुई नजर आई। पुष्प वर्षा कर लोग मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए नजर आए। रोड शो के दौरान लोक कलाकारों और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्तरकाशी जिले के समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन किया गया। ऋषिकेश में पेंशन की मांग को लेकर सभी विभागों के निगम कर्मचारी फिर से आंदोलन करने के मूड में हैं। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को जगाने के लिए जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। इस संबंध में ऋषिकेश स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में नगर निगम कर्मचारियों ने एक कार्यक्रम किया, जिसमें कर्मचारियों ने मोदी सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। आरोप लगाए कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार सरकारी महकमे में अपना पूरा जीवन लगाने वाले बुजुर्गों को पेंशन तक देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे सेवा निर्मित कर्मचारी खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि साल 2019 में मोदी सरकार 28 करोड़ वोट से जीती थी, जबकि उनकी संख्या यू परिवार सहित करीब 40 करोड़ है। अगर मोदी सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने वोटिंग की तो साल 2024 में नरेंद्र मोदी अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। रामलीला मैदान पर हमारा बड़ा प्रोग्राम था, सारे 28 प्रांतों के लोग एकत्रित हुए, कम से कम 20-25 हज़ार लोग वहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद 8 दिसंबर से जो था हमारा आंदोलन कार्मिक आंदोलन जंतर मंतर पे शुरू हुआ। 14 तारीख से हमारा आमरण अनशन शुरू हुआ, लेकिन ऊपर से आश्वासन मिलने के बाद हमने वो आमरण अनशन ख़त्म कर दिया, स्थगित कर दिया, ख़त्म तो नहीं किया, स्थगित किया। तो अब हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम हो रहा है, लेकिन कोई आश्वासन के साथ में कोई लिखित हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीदी भूली महोत्सव में शिरकत कर टूंडा और बगौरी क्षेत्र के पारंपरिक ऊन की कताई करने वाले चरखा को चलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब ऊन की कताई कर पारंपरिक ऊनी वस्त्रों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। साथ ही टूंडा और बगौरी से पहुंची महिलाओं को चरखा चलाने और ऊन कताई की जानकारी भी उनसे लेते हुए नजर आए। पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार स्थित परेड ग्राउंड में 167 महिला आरक्षियों की पास आउट सेरेमनी आयोजित की गई। आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने आईजी नीरू गर्ग को पुष्प देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनी आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। महिला रिक्रूट्स की टोली ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन कर मंच पर खड़े मुख्य अतिथि को सलामी दी। मंदसौर शामगढ़ नगर के पंजाबी धर्मशाला में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाते हुए सिख समुदाय द्वारा लंगर का आयोजन रखा गया। इस आयोजन को लेकर नगर की जनता सहित सिख समुदाय के सभी समाज जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आयोजन में पहुंचे पूर्व मंत्री और क्षेत्र विधायक हरदीप सिंह डंग के द्वारा लंगर में भोजन प्रसादी परोसी गई, तो वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके बारे में बताया गया। नगर की जनता सहित सिख समुदाय समेत जनों द्वारा नगर में प्रकाश पर्व को बड़ी धूमधाम के उत्सव के साथ मनाया गया।
अंकिता भंडारी की दादी का देहांत हुआ और श्रीनगर स्थित पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अंकिता भंडारी के पिता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। अंकिता की दादी की अंतिम इच्छा भी थी कि वे अपनी पोती के हत्यारों को सजा मिलते हुए देखे, जिसके चलते वे लगातार परेशान रहती थी। जानकारी देते हुए बताया गया कि अपने अंतिम समय में भी वो अंकिता का ही जिक्र करती रही। वही अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी मदद कर रहे आशुतोष नेगी पर झूठे मुकदमे लगाए जाने और उनकी पत्नी का तबादला करवाने को लेकर भी अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि अगर सरकार मुकदमा वापस नहीं लेती है तो उनकी पत्नी का ट्रांसफर नहीं रुकवाती है तो वो आंदोलन करने को व्यस्त होंगे। कहा कि वो आज से संबंध में जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनकी मां का देहांत होने से वो अभी धरने पर नहीं बैठे, लेकिन अगर जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन को विवश हो जाएंगे। खबर यूपी के संत कबीर नगर से, जहां पर किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने ट्यूबवेल लगाने की मांग को लेकर जिले के सांसद प्रवीण निषाद से मिलने उनके कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। किसानों का आरोप है कि जब वो सांसद कार्यालय पर पहुंचे तो सांसद के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यालय के सामने NH-28 पर प्रदर्शन करते हुए रोड जाम करना शुरू कर दिया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख सांसद कार्यालय भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने किसानों को NH-28 से हटाकर रास्ते को बहाल किया। एबीवीपी छात्रों और जिला विद्यालय निरीक्षक के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ललितपुर के एबीवीपी के छात्रों ने ऑफिस में घेराव किया। छात्रों के साथ हो रहे शोषण, अवैध कोचिंग संचालक, अवैध स्कूलों और अवैध रूप से संचालित प्राइवेट लाइब्रेरी को लेकर छात्र नाराज नजर आए। एबीवीपी छात्र के घेराव से ऑफिस में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। झांसी में SSP राजेश एस के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत बरुआ सागर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। जानकारी के मुताबिक खबर झांसी जिले के बरुआ सागर से है, जहां पिछले 3 साल से एक चर्चित हत्याकांड के मामले में फरार 25,000 का नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफलता हासिल की है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल पहले 6 दिसंबर 2020 को थाना बरुआ सागर की नई बस्ती के पास हुई मोंटू उर्फ राजा बाबू हत्याकांड में फरार इनामी बदमाश सौरभ यादव निवासी कोट बेहटा थाना सिपरी बाजार की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रायबरेली में रूट डायवर्जन रहेगा। इस दिन यहां कानपुर या अन्य जनपदों से आने वाली भारी वाहनों को महाराजगंज से हैदरगढ़ होते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। यह व्यवस्था 22 जनवरी से पहले ही लागू की जाएगी। इसी प्रकार लखनऊ से अयोध्या की ओर आने वाले भारी वाहनों को भी उन्नाव और रायबरेली होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए ही भेजा जाएगा। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध शस्त्र और चोरी के सामान के साथ 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। मामला भदोकर थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस को काफी दिनों से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घट रही है इसकी जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने लड़ाई चौराहे के पास से चित्रसेन पुत्र महारथी और दिनेश को अवैध शस्त्र चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, सोने चांदी के जेवरात समेत 18,000 रुपए की नकद बरामद की है। झांसी में मंडे का दिन पुलिस के लिए गुड डे बनकर आया। पुलिस ने वांछितों के खिलाफ अभियान चलाकर 1,00,000 रुपए के इनामिया के 4 वांछित गिरफ्तार कर लिए हैं। SSP राजेश के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत जहां बरुआ सागर थाना पुलिस ने 3 साल से फरार हत्या के आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, तो वहीं महुरानीपुर थाना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 7 साल से फरार चल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दहेज हत्या के आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम मऊरानीपुर के ग्राम अलिया निवासी हाल थाना लहचुरा के सिजारी बुजुर्ग निवासी रमेश खर, श्रीमती आशा खरे और अतुल खरे बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन तीनों पर साल 2016 में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था, तभी से आरोपी फरार चल रहे थे। तीनों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
श्रावस्ती में चावल से लदा डीसीएम अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। घने कोहरे के चलते अनियंत्रित हुआ डीसीएम खाई में पलट गया। मलहीपुर रोड से भिट्टी एफसीआई गोदाम डीसीएम जा रहा था, दसवीं पुलिया पर पहुंचते अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर सहित डीसीएम में सवार लोग बाल बाल बचे। लोगों ने कहा मौत के मुंह से बाहर आए। डीसीएम ड्राइवर सवार लोग मलहीपुर थाना क्षेत्र के भिंगा मलहीपुर रोड स्थित बंदराहा बाबा कुटी के पास की यह घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी के ग्राम चुरारा में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसानों ने चिंतन मंथन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत में प्रमुख रूप से अन्ना जानवरों की रोकथाम के लिए गांव में गौशाला का निर्माण कराया जाए, विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित कटौती को तत्काल बंद कराए जाने को लेकर किसानों ने जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में किसानों ने बताया कि साहब इस कमरतोड़ महंगाई में महंगी लागत लगाकर खेतों में चना मटर गेहूं की फसलें बोई हैं और इस तरह ठंड में हम लगातार रातों में जागकर अन्य जानवरों से अपनी फसलों को बचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छुट्टा जानवर लगातार घूम रहे हैं और फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या को लेकर भी पंचायत की गई। जनपद झांसी का किसान अन्य जानवरों से परेशान है। रात दिन इस कड़कड़ाती ठंड में खेतों की रखवाली कर रहा है, फिर भी फसलों को नहीं बचा पा रहा। आज जनपद झांसी के ग्राम चुरारा में यूपी किसान कांग्रेस के बैनर तले पंचायत हुई है, जिसमें अन्य जानवरों की समस्याओं पर चिंतन मंथन किया गया। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में लगभग 1000 छोटा जानवर घूम रहे हैं। महोबा मुख्यालय में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। आपसी रंजिश में फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। दबंगों की करतूत कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें दबंग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। इस फायरिंग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि पुराने विवाद में रंजिश के चलते पीड़ित परिवार के दरवाजे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में उत्साह का माहौल है। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राम भक्त इन दिनों देश भर में घर घर जाकर 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों से दीपोत्सव मनाए जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं धर्म की नगरी काशी में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव मनाए जाने के साथ एक पौधा लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई। वाराणसी के मैदिगिन स्थित एक वाटिका में पौधारोपण कर एक पौधा श्री राम के नाम अभियान की शुरुआत हुई है। राम भक्तों ने इस अभियान की शुरुआत कर सैकड़ों पौधों को लोगों में वितरित कर 22 जनवरी को पौधारोपण करने की अपील की है। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित सदस्य अध्यक्ष संजय सिंह गोंडा पहुंचे। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे थे संजय। पत्रकार से बातचीत में बोले संजय सिंह खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक ढाक कमेटी को नहीं मानते। भारतीय कुश्ती संघ नहीं हुआ है भंग। देश में पहलवानों का नुकसान हो रहा है। देश में लोकतंत्र में लाठी और धरना तंत्र नहीं है। 16 जनवरी एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक के बाद होगा निर्णय। लीगल ओपिनियन के बाद जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। नवाबगंज के नंदिनी नगर में आयोजित था कार्यक्रम। श्रावस्ती पुलिस का अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। हरदत नगर गिरन पुलिस ने 550 ग्राम चरस और थाना गिलौला पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हरदत नगर गिरन के शहबाज पुरवा से चरस और गिलौला के चंद्रावा नगर से गांजे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 1,50,000 रुपए बरामद किए चरस बताई जा रही है। आपको बता दें कि इन अभियुक्तों पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सहारनपुर में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर प्रवीण तारा ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना मिर्जापुर के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नशीला पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त इस्तकार पुत्र लाहौरी निवासी मोहम्मद बंदकुची मिर्जापुर पुल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को गोल्डन पैलेस से आगे मिर्जापुर पुल जाने वाले रास्ते से करीब 10 किलो 50 ग्राम चरस जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है, इसके साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर सहारनपुर की हम बात करें तो यहां पर हम देखें कि
सरसवा क्षेत्र के गांव बहलौलपुर में बिटोड़े में शव जलाने की सनसनीखेज वारदात हुई है। शव इतनी बुरी तरह से जल गया कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर पिंताड़ा ने बताया कि थाना सरसवा पुलिस को रात में गश्त के दौरान एक बिटोड़े में एक अज्ञात पुरुष का जलता हुआ शव मिलने पर आग बुझाकर आसपास सर्च ऑपरेशन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव की शिनाख्त और घटना करने वालों की जानकारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच आगे भी चलती रहेगी, फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फतेहपुर जिले के मवई धाम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री साधन रंजन ज्योति ने कहा कि यह कोई यात्रा नहीं है बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पा चुके यात्रियों का सम्मान करना और छूटे हुए वंचित लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की एक अद्यतन मुहिम है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों के गाँव गांव सहकारी अधिकारी और कर्मचारी पहुंच लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं किए गए जिससे गरीबी सहारा असहाय वृद्ध और महिलाओं तक उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया गया हो। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक अनूठी पहल है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में 628 ग्राम पंचायतों तक विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के दौरान लाभ पहुंचाया जा चुका है, अभी और लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मेदपुर में डबल मर्डर हत्याकांड का खुलासा 4 घंटे में पुलिस ने किया। आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। पिता ही अपनी मासूम 1 साल की बेटी और अपनी पत्नी का कातिल निकला। क्रिकेट बैट से बेटी और पत्नी को घायल कर वो भाग गया था और फिर उसके बाद घटना को डकैती सहित हत्या होने जैसा रूप देकर पुलिस को गुमराह करने लगा। पुलिस द्वारा गहनता से जांच की गई, जांच के आधार पर पर्दाफाश किया गया है कि दोनों का कातिल पिता ही निकला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।